नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय चिन्मय गौर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ वायलिन के लेसन नंबर 1 में। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो आप तक सही समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए सीखते हैं वायलिन। भारत में इसे कहते हैं बेला वाद्य। क्या कहते हैं? बेला वाद्य। और इसे कहते हैं गज। और वेस्टर्न में वायलिन कहते हैं और ऐसे पकड़ते हैं। यहां पे चिन रेस्ट रहता है, वहां पे अपना चिन रखते हैं और प्यार से इसको शाहरुख खान की स्टाइल में बजाते हैं। लेकिन इंडियन म्यूजिक के अंदर इसको यहां दिल से रखते हैं। तो क्या होता है ना, वो दिल से दिल की बात निकल जाती है, संगीत दिल से निकलता है और ऐसे अपनी एड़ी पर टिकाते हैं यहां पे। तो ये हमने वायलिन रख दिया। तो मैं आपको दोस्तों दोनों तकनीक सिखाऊंगा साथ में, लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा इंडिया की टेक्निक पे, क्योंकि वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। फिर वो को ऐसे पकड़ते हैं बिल्कुल लूज, हाथ को एकदम लूज रखना है, टाइट नहीं रखना। बहुत सारे लोग टाइट पकड़ लेते हैं, तो हाथ को एकदम फ्री रखना है मूवमेंट के लिए। फिर इस हाथ से लेफ्ट हैंड से अपना ग्रिप रखना है नीचे इसके। आप देख सकते हैं ये ऐसा। अभी इसमें चार तार रहते हैं, सबसे मोटा वाला तार एक, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला और सबसे पतला वाला तार। तो ये अलग अलग स्ट्रिंग्स है, ये इसका ब्रिज है। क्या है? ब्रिज। फिर ये इसकी पूरी बॉडी है, ये इसका फिंगरबोर्ड है, फिंगरबोर्ड जहां फिंगर्स को रखते हैं। ये इसके ट्यूनिंग नट्स है, इससे तार को ढीला या टाइट करते हैं। और ये भी इसके ट्यूनिंग नट्स है, लेकिन इनको बहुत फाइन ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको अपना वायलिन ट्यून करवाना पड़ेगा। अब वायलिन की ट्यूनिंग की तीन तीन टेक्निक रहती है, अलग अलग बहुत सारी रहती है, लेकिन बेसिकली जो है वेस्टर्न संगीत में रहती है म सा परे, या फिर कहे तो परे धग GDAE। लेकिन इंडियन संगीत में हम लोग सा प, यानी कि पहला मोटा तार सा प सा प सा प सा प, या फिर प सा प सा, और अगर इसको कहें तो G C G C, मतलब प सा सी, मतलब सा, डी मतलब रे। अभी सारे गमक क्या होता है बताऊंगा आगे वाले वीडियोस में मैं, लेकिन हमें ये समझना है कि इसको ऐसे ट्यून करते हैं। चार तार है सबसे वाले मोटे वाले तार को जी, फिर सी, फिर जी और सी। मैं आपको इसी ट्यूनिंग में सिखाऊंगा, इसलिए आपको इसी ट्यूनिंग पे अपना इंस्ट्रूमेंट ट्यून करना पड़ेगा। अलग अलग एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे जी स्ट्रिंग नाम की एप्लीकेशन है जिससे गिटार हम करते हैं ट्यून। तो आपको उसमें हर तार को, ये पहले वाले को जी में करना है ट्यून। तो इसको आप चढ़ाएंगे या उतारेंगे तो ये ढीला या टाइट होते रहेगा। और वैसे आपको उस मीटर में चेक करना है कि जी आ रहा है कि एफ आ रहा है। सिक्वेंस क्या होता है? सी डी ई एफ जी ए बी। क्या होता है? सी डी ई एफ जी ए बी, सारे गमा पधनी। तो ये आपको पहला तार जी में ट्यून करना है, फिर सी में, वापस जी में और सी में, यानी कि प सा प सा। इतना ट्यून किया और फिर ऐसे बैठना है। वायलिन गिरना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि रखा और गिर गया। ग्रिप रखनी है अपनी छाती से, वो पकड़नी है बड़ी लूज। अब वो कैसे पकड़नी है, इसके अलग अलग टेक्निक्स है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रकृति क्या है। रटना नहीं है, मुझे देख के रटना नहीं है, किसी को देख के रटना नहीं है। हाँ, हाथ को लूज रखना है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो हाथ को टाइट नहीं रखते, लूज रखते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। तो मैंने अपने हाथ को यहां पे लूज रख रखा है।
ठीक है, ऐसे पकड़ रखा है जो आराम से मैं मूवमेंट कर सकता हूं, ऐसे नहीं पकड़ा है, तो वो को ऐसे पकड़ना, ये देखो आराम से हाथ आपका चल पाए, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पे कुछ लोग फिंगर, ये अंगूठे को, थंब को यहां पे डालते हैं और फिर पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ये पीछे थंब रखा हुआ है, लेकिन कुल मिला के वो गिरनी नहीं चाहिए, हाथ को लूज रखना है, और फिर आपकी प्रकृति, आपकी इच्छा, आपके हाथ का साइज भी मैटर करता है, इसलिए अपनी प्रकृति पहले और हाथ को ढीला रखना है, लूज रखना है, लचक रहनी चाहिए। फिर क्या करना है, फिर वायलिन को वापस दिल से लगाना है और बो को ऐसे रखना है। अब धीरे धीरे बो को हर तार पे पूरा चलाना है, कैसे, थर्ड तार पे, फिर फोर्थ तार पे, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी शुरुआत में आपका हाथ गिर जाएगा, दूजेगा, लेकिन इस बात का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आप जब बो चलाओगे तो बो जो है यहां पे चलनी चाहिए, इस पोर्शन से इसके बीच में, सेंटर्ड में, ऐसा नहीं कि आप यहां पे बो चला रहे हो, यहां पे बो चलनी चाहिए इसके और इसके बीच में, यानी कि यहां पे, तो उससे क्लियर आवाज निकलती है। वापिस देखिए ध्यान से, वायलिन को रखा और सिर्फ बोइंग करी, फिर रिवर्स करना है, फिर थोड़ा स्पीड से करना है, ये प्रैक्टिस ढंग से करने के बाद, फिर और भी वेरिएशन बन सकता है, एक स्ट्रिंग छोड़ के एक स्ट्रिंग प्रैक्टिस करनी है, कैसे, पहले फर्स्ट वाली मोटी वाली स्ट्रिंग, सेकेंड को छोड़ देना है, थर्ड को करना है, फिर सेकेंड को करना है, फिर लास्ट वाली को करना है, तो ऐसे अलग अलग आप तारों पे प्रैक्टिस करनी है। देखो दोस्तों, जो बो है वो वायलिन की सांस रहती है, प्राण वायु रहती है, हमारी बॉडी में प्राण सांस से रहता है ना, अगर सांस नहीं रहेगी तो फिर हम मर जाएंगे, हमें जीव नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा, उसी प्रकार वायलिन के अंदर भी ये इसकी सांस है, तो ये आपको पूरी इसकी सांस जो है यूज करनी है, यहां से लेकर यहां तक। एक मेरा मंत्र है जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, मेरे फ्लूट के भी लेसन्स है, मंत्र क्या है, लाउड और क्लियर और सुर में, लाउड क्लियर और सुर में। सुर क्या होता है अगले वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको लाउड और क्लियर प्रैक्टिस करना है। हो सकता है आपकी बो से आवाज ना निकले क्योंकि आपने उस पर रोजीन नहीं लगाया होगा, एक रोजीन आता है जिसको बो पे हम घिसते हैं, तो उस घिसने से जो है सही आवाज निकलती है, जब हम इसको बो स्ट्रिंग्स पे टच करते हैं, रगड़ते हैं, तो रोजीन लगाना चाहिए बीच बीच में, या जब भी आप वायलिन प्ले करते हो रोजीन को घिसना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो अपने आसपास के म्यूजिकल स्टोर से जाके ले आए, रोजीन वायलिन पे घिसने का रोजीन 30-40 रुपए का आता है, ठीक है, वो बढ़िया बो पे घिसना, और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसा डिब्बी के अंदर आता है रोजीन, ऐसी चीज रहती है ये, और इसको हम हमारी बो पे घिसते हैं, बहुत देर तक घिसना है, कम से कम 3-4-5 मिनट तक घिसना है इसको बढ़िया। तो दोस्तों इससे आवाज साफ निकलेगी आपके वायलिन पे, क्लियर निकलेगी, लेकिन आपको भी जो है अपनी उंगलियों से, ये देखो ये देखो ये देखो, प्रेशर को मेंटेन करना है,
लूज रखना है लेकिन तो भी पकड़ रखनी है, और बहुत कुछ सिखाना है और बहुत कुछ सीखना भी है आपको, लेकिन आगे वाले लेसन में। अभी के लिए इतना बहुत है, प्रैक्टिस करिएगा और मिलते हैं अगले लेसन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत, जय हिंद।